हेलो फ्रेंड्स, गेमिंग रामू यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड फ्री फायर के अंदर आ चुका है एक न्यू इवेंट, जो इवेंट के अंदर आप लोगों को बहुत सारा रिवॉर्ड मिल सकता है। तो क्या क्या रिवॉर्ड मिल सकता है अभी तो फ्री फायर नहीं बताया, बट इधर से एक इवेंट आ चुका है जिसके अंदर आप लोग को बोला है इधर से आप लोग को फ्री रिवॉर्ड मिलने वाला है। तो आप लोग कैसे इधर से फ्री रिवॉर्ड ले सकते हो ना, आप लोग क्या करना पड़ेगा इधर से फ्री रिवॉर्ड लेने के लिए, हम इस वीडियो के अंदर फुल डिटेल के साथ बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, थोड़ा सा भी स्किप मत करना, और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर दबा देना, फ्री फायर की इवेंट एंड अपडेट के बारे में सबसे पहले जानने के लिए, और आपके दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि इस मतलब इवेंट जो आया हुआ है बॉस फ्रेंड को पता नहीं है कैसे कंप्लीट करना होगा, तो जो को पता नहीं है उसके पास आप लोग को ये वाला वीडियो शेयर कर देना। तो चलते हैं, आप लोग को सब रिवॉर्ड कैसे मिलेगा एंड आप लोग क्या करना पड़ेगा सब रिवॉर्ड लेने के लिए। तो सबसे पहले आप लोग को इधर लिखा हुआ देख सकते हो, जैसे आप लोग को फ्री रिवॉर्ड मिलने वाला है। तो फ्री रिवॉर्ड लेने के लिए आपको इधर से कुछ मतलब क्वेश्चन किया है, जो क्वेश्चन का आंसर देने पर ही हम लोग को मिल जाएगा। बट क्या रिवॉर्ड देगा फ्री फायर तो अभी तक नहीं बताया, क्योंकि सब गिफ्ट की टाइप का इधर दे दिया है। तो चलते क्वेश्चन की तरह, जो आप लोग क्या क्या क्वेश्चन दोगे, तो इधर से नॉर्मल सा गो टू पर क्लिक करना। गो टू पर क्लिक करने के बाद आप लोग को इस तरह लोडिंग होगा, तो आपको किसी भी एक ब्राउजर के ऊपर क्लिक करना। मैं क्रोम पर क्लिक कर रहा हूँ, तो क्रोम पर क्लिक करने के बाद आप लोग को एक पेज ओपन हो जाएगा। तो आप लोग को इस तरह इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने। तो इधर से आप लोग को कुछ क्वेश्चन किया, जो क्वेश्चन का आंसर आपको देना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इधर से, आप कितना दिन गेम प्ले कर रहे हो, तो 12 मंथ से ज्यादा कर रहे हो, जो 12 मंथ सेलेक्ट किया। उसका सेकंड क्वेश्चन इधर से आ रहा है, जो इधर से वीक पर कितना टाइम खेल लेते हो, गेम प्ले कर लेते हो, तो मैं 8 से 14 घंटा कर लेता हूं, तो इस 8 से 14 घंटा के ऊपर क्लिक किया। उसके बाद आप लोग को थर्ड क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, जो आपका फ्री फायर का लेवल कितना है, तो मैं 31 का प्लस लेवल है, तो आपका जितना लेवल है वो सिलेक्ट कर देना। तो उसके बाद हम लोग को इधर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो आपका अभी हीरो गया डायमंड या सिल्वर पर गया हो, हाँ मैं हीरो पर गया हूँ, तो इस तरह हीरो पर सिलेक्ट कर दिया, तो आप जितना देर गए हो वो सिलेक्ट कर देना। उसका टॉपअप का भी करते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हाँ यह करता हूँ तो यस किया, और जो फिर नहीं करते हो नो कर देना। उसके बाद मैं नेक्स्ट बटन के ऊपर टैप किया, तो गेम थोड़ा लोड हो रहा है, तो लोड होने के बाद हम लोग को इस तरह इंटरफेस आ रहा है, तो ये आ चुका है। उसके इधर बोला है टॉपअप जो किए थे वो कितने दिन पहले किया था, तो मैं 30 दिन से पहले किया था, तो 30 दिन सेलेक्ट किया। उसके बाद टॉपअप करने पर कौन सा आइटम यूज करते हो, तो मैं इधर पेटीएम यूज करता हूँ, उसके इधर से गूगल पे यूज कर लेता हूँ, तो जैसे नॉर्मल से गूगल पे को टिप कर देता हूँ। उसके बाद आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जाने के लिए आपको नेक्स्ट बटन टिप करना, नेक्स्ट बटन दबा दिया, उसका नेक्स्ट आइटम ओपन हो चुका है, क्वेश्चन ओपन हो चुका है। तो इधर बोला आपका एज कितना है, तो मैं एज को आप लोगों को दिखा नहीं सकता हूँ, तो आप मेरा ये सिलेक्ट कर दे, आपका जितना है वो सिलेक्ट कर देना। उसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप जेंडर, तो मैं मेल हूँ तो मेल सेलेक्ट कर देना, फीमेल हो तो फीमेल सेलेक्ट कर देना। उसके इधर बोला है जो आपका आप कौन हो, स्टूडेंट हो या तो ना स्टूडेंट हो, पार्ट टाइम करता हूँ तो इसलिए पार्ट टाइम को टैप किया। उसके बाद आपको जो क्वेश्चन देखने को मिला मंथली कितना इनकम कर लेते हो, तो मैं इधर से 1 to 5000 इनकम कर लेता हूँ, तो इसलिए मैं 100 to 5 दे दिया इधर से सेकेंड आंसर के ऊपर। आपको जितना इनकम करते हो प्लीज सिलेक्ट कर देना। उसके बाद इधर बोला स्टेट, तो आपका स्टेट क्या है, तो मैं इधर से वेस्ट बंगाल से हूँ, तो वेस्ट बंगाल बहुत नीचे है क्या, तो हाँ इधर नीचे है, तो वेस्ट बंगाल से हूँ, मैं वेस्ट बंगाल सिलेक्ट किया। तो आप जिधर से हो आपका स्टेट सिलेक्ट कर देना, आप किधर से हो वो आप सिलेक्ट कर देना। उसके बाद आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा इधर से, आप सिटी, तो आप कौन सा सिटी और विलेज पर रहते हो, तो मैं इधर से कलकत्ता पर रहता हूँ, तो कलकत्ता सिलेक्ट किया, तो आप जिधर लेते हो वो सिलेक्ट कर देना। और उसके बाद आप लोग को इधर से बोला है जो है आप कौन सा मोबाइल पर खेलते हो, तो रियलमी खेलता हूँ, रियलमी में टैप के आप जो मोबाइल में खेलते हो सिलेक्ट कर देना। उसके बाद इधर बोला है आप गेम प्ले कहाँ करते हो, तो मैं इधर से होम पर करता हूँ, तो ऐड होम लिख दिया, इधर से ऐड होम के ऊपर टिक कर दिया, आप जिधर गेम प्ले करते हो और टिक कर देना, तो मैं ऐड होम पर इधर से टिक कर देता हूँ। उसके बाद आप लोग को इधर बोला है जो आप इधर से जो गेम पर आए हो कौन सा मतलब फीफा जो खेलो मोटिवेशन कौन है, तो मोटिवेशन बोले तो फ्रेंड है, तो इसलिए मैं इधर से तीनों इधर चूज करने के लिए बोला है, तो नॉर्मल से मैं तीनों आइटम चूज कर लेता हूँ, तो आप जो जिस जिसको मोटिवेशन मतलब जिस जिसको देख के फ्री फायर खेल रहे हो इधर से नॉर्मल से ऐसे टिक कर देना होगा, तो मैं इधर से नॉर्मल से 3 आइटम के ऊपर टिक कर देता हूँ, तो आपको 3 आइटम को टिक करना होगा। उसके बाद इधर बोला है जो आप लोग डेली कितना बंदे के साथ गेम प्ले कर लेते हो, तो हम इधर से 10 से ज़्यादा बंदे के साथ गेम प्ले कर लेता हूँ, तो इधर से 10 क्लिक किया। उसके बाद हम लोग को इधर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आपका हॉबी मतलब आपका इंटरेस्ट क्या है, तो मैं इधर से इंटरेस्ट बोले तो WWE बहुत अच्छा लगता है मेरे को, तो WWE मैं देखता हूँ, तो WWE को सिलेक्ट कर दिया।
उसका नेक्स्ट जो क्रिकेट क्रिकेट को अभी सिलेक्ट किया। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिल गया, इधर से बोल रहा है जो आप लोग मतलब कौन सा टीम देखना चाहती हो, कौन सा चीज जाना चाहते हो, तो मैं स्पोर्ट्स तो इसलिए फास्ट के ऊपर मैं टिप किया। तो उसके बाद आप लोग को इधर से आपका फ्री फायर का UID देना पड़ेगा, तो मेरा इधर UID दे रहा हूँ, आपका उधर इधर आपका जो ऐसे आएगा तो आपका UID दे देना, समझ रहे हो ना, मेरा UID आपका उधर मत लिखना देखो, नहीं तो मैं रिवॉर्ड जीत जाऊंगा, इसलिए आपका UID आपका उधर दे देना। तो मैं इधर मेरा UID दे दिया, उसके बाद जैसे मैं कन्फर्म करूंगा इधर से पेज थोड़ा लोडिंग होगा, तो अच्छे से देख लो यार मेरा UID दे देना, तो मतलब आपका UID दे देना, मेरा UID मत देना। तो मैं इधर से सबमिट किया, सबमिट करने के बाद आप लोग को इस तरह इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, बहुत सारे फैन का इस तरह इंटरफेस नहीं देखने को मिलेगा, मतलब ट्राई गन करने के लिए बोलेगा, तो जिस जिसको ट्राई गन दिखा रहा है वो फिर से ट्राई कर देना, तो आप लोग को जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा, मतलब क्योंकि बहुत सारा फैन इधर से ये वाला पेज ओपन कर रहा है। तो वीडियो इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।